प्रभु, प्रभु के वनवास की अवधि समाप्त तो होने को है। अवश्य ही प्रभु एवं माता लंका से अयोध्या को प्रस्थान करने के लिए सज्जित हो रहे होंगे, किंतु किंतु माता और प्रभु हैं कहां? प्रभु, 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 तो वहां है प्रभु माता के साथ। अंत भला तो सब भला, किंतु प्रभु के श्री मुख पर अभी भी चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों चिंतित हो रहे हैं मेरे प्रभु? हाँ, बड़ा आनंद आएगा, मुझे आशा है प्रभु अवश्य इसके लिए स्वीकृति दे देंगे। किंतु महाराज, प्रभु से ये बात कहेगा कौन? मैं हनुमान से बोलता हूँ, वो प्रभु से बात करेंगे। हाँ हनुमान, ये हनुमान कहाँ गए? प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु, आपको चिंतित प्रतीत हो रहे थे, यदि आपको कोई चिंता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। हनुमान, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हो। प्रभु, तो फिर आप मुझसे मत छिपाइए, कृपया करके मुझे बताइए वो क्या है जिसने मेरे प्रभु को चिंतित कर दिया। हनुमान, ये चिंता तुम्हारे प्रिय प्रभु राम की नहीं है, ये चिंता अयोध्या के होने वाले राजा राम की है। एक साधारण नर के उत्तरदायित्व पर एक राजा के उत्तरदायित्व में बहुत बड़ा अंतर होता है। हनुमान, राजा बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। प्रभु, आपका नाम ही बड़ी से बड़ी परीक्षा को सुगम्य कर देता है, फिर आपको कैसी चिंता? हनुमान, सिंहासन पर बैठने के साथ ही मुझे अनेकों उत्तरदायित्व संभालने होंगे, अनेकों राजधर्म निभाने पड़ते हैं एक राजा को, जो किसी परीक्षा से कम नहीं होते। प्रभु, संसार साक्षी है कि आपने अपना पुत्र धर्म, पति धर्म और मित्र धर्म भली भांति निभाया है, तभी तो सब आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, फिर आप राज धर्म को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? हनुमान, एक अच्छा राजा वही होता है जो स्वयं को प्रजा का शासक नहीं सेवक समझे, राजा के लिए सुख वैभव भोगना बहुत सरल है, किंतु वास्तव में राज धर्म निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हनुमान, प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। हनुमान, देवी सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, जबकि मुझे उनकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था, किंतु संसार को दिखाने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसी प्रकार भविष्य में मुझे भी कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। प्रभु, आपका ये तुच्छ सेवक इतना अवश्य जान गया है कि मेरे प्रभु के राजकाज को ये संसार सदियों तक स्मरण रखेगा। राम राज एक सुखमय राज का परिचायक होने वाला है। ऐसा तुमने कैसे जान लिया? किंतु माता, जहां का राजा राजा बनने से पूर्व ही राज धर्म की, प्रजा के सुख दुख की चिंता करने लगे, माता, तो ये निश्चित है कि उनके राज में प्रजा सुख
और समृद्धि से भरपूर रहेगी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्ग के समान सुख में उस राम राज्य के दर्शन करने के लिए हम सब वानर भी बहुत उत्सुक हैं। प्रभु, सभी आपके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम भी अयोध्या जाएंगे प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ प्रभु, हम अयोध्या जाएंगे। प्रभु, हर्ष से प्रफुल्लित आपकी सेना आपको राजा राम के रूप में देखने को उतावली हो रही है। मेरे वीर वानरों, आप सबका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। मेरे हर सुख में भागीदार बनना आप सबका अधिकार बनता है। मुझे प्रसन्नता होगी जो आप सब मेरे सुखद क्षणों में उपस्थित रहेंगे। प्रभु श्री राम की जय। माता सीता की जय। प्रभु श्री राम की जय। माता सीता की जय। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के सूर्यास्त तक आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को जलती हुई चिता में देखेंगे। भैया, क्या हुआ प्रभु? पुनः आप कुछ स्मरण करके चिंतित हो उठे? हनुमान, वनवास की अवधि में मात्र दो ही दिन शेष रह गए हैं। अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि सूर्योदय से पूर्व में अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत अपने प्राण त्याग देगा। हाँ प्रभु, ये तो बड़ा ही कठोर प्रण ले लिया था भरत भैया ने। हाँ हनुमान, वनवास के आरंभ में जब मैं चित्रकूट के कामतगिरी पर स्थित वन में निवास कर रहा था तो मेरे पिताश्री महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार के पश्चात भरत मुझे अयोध्या वापस लेने के लिए आया था। जब तक आप अयोध्या का राज सिंहासन नहीं स्वीकार करेंगे आपका यह अनुज आपका भरत आपके चरणों में पड़ा रहेगा। भरत, तुम्हारे निश्चल प्यार का मैं अनादर नहीं करना चाहता, किंतु पिताश्री को दिए हुए वचन की अब हेलना भी नहीं करना चाहता मैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं 14 वर्ष पश्चात लौटकर अयोध्या का राजपद स्वीकार कर लूंगा, किंतु तब तक अयोध्या का राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। तो भैया, आपको भी मेरा एक निवेदन स्वीकार करना होगा। अगले 14 वर्षों तक अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं नहीं आपकी चरण पादुका ही विराजेगी। मान जाइए भैया।
क्या कर रहे हो भरत? भ्राता आप मेरे ज्येष्ठ हैं और एक अनुज का कल्याण बड़े भ्राता के चरणों में होता है। इस प्रकार से मुझे सदैव ये आभास होता रहेगा कि मेरे शीश पर आपकी छत्र छाया है। भैया, आपके प्रतीक रूप में ये चरण पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकार्य संभालूंगा। कुछ कहना चाहते हो भरत? भैया, आपके बिना एक एक क्षण मेरे लिए कठिन होगा, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही आप अयोध्या लौट आएंगे। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को जलती हुई चिता में देखेंगे। भैया, ये मेरा प्रण है। भैया, इसलिए मुझे शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा। हनुमान, मुझे शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान, जिससे कि आज से तृतीय दिवस की प्रातः तक हम अयोध्या में हों। किंतु चिंता इस बात की है, इतने कम समय में ये कैसे संभव होगा हनुमान? प्रभु, आपके सेवक के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको और सब लोगों को लेकर शतानंद लोक गया और फिर आया, इसी प्रकार मैं अपनी पूंछ पर सबको लेकर अयोध्या भी जा सकता हूँ। हनुमान, प्रभु, यदि पुष्पक विमान होता तो हम सब सहजता से अयोध्या पहुंच जाते, किंतु वो तो भ्राता कुबेर को वापस लौटा दिया गया है और हनुमान को पुनः कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। वो क्या है? राम जान की अवध को जाना, लाए कुबेर पुष्पक याना। पुष्पक आकारा को बढ़ाई, वानर सेना जामह समाई। सियाराम सियाराम जय हनुमान। जा रहे लंका से रघुवीरा, हनुमत संग सब भाव विभोरा। त्रिजटा नैन अश्रु भर आई, वैदेही गले बढ़ के लगाई। सियाराम सियाराम जय हनुमान। राम सियाराम सियाराम। त्रिजटा, आपने एक अभिभावक की भांति सीता की रक्षा की है, मैं आपको वरदान देता हूँ। अब से अशौच और नियम आदि से जो भी पूजा होगी उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। आप सदैव सीता की प्रिय बनी रहेंगी। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों को मेरा नमन।
जन्म भूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि भारतवर्ष की पावन धरती को मेरा शत शत नमन। प्रणाम भारत भूमि। हमारी मातृभूमि का सब पर बड़ा उपकार होता है। भूमि हमारा पालन पोषण करती है, हमें आश्रय देती है। भारतवर्ष की ये पवित्र भूमि देव भूमि है, जिसकी धरा संसार का नाभि स्थल है, जो मनुष्य को तप आदि सत्कर्मों के बल पर ईश्वर का भी साक्षात्कार करा देती है। इसे धन्यवाद देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रणाम भारत भूमि। वहां क्या है? प्रभु का ध्यान कहां है? कोई है वहां, किंतु कौन हो सकता है जो कभी दिखाई देता है कभी लुप्त तो हो जाता है? सावधान साथियों, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। ये तो पिशाच प्रतीत हो रहे हैं। हाँ प्रभु, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम में से किसी के भी निकट आने का साहस नहीं कर सकते। हाँ प्रभु श्री राम, हनुमान का कथन सत्य है। हनुमान को पिशाचों पर विजय प्राप्त है। जहाँ हनुमान होंगे या इनका नाम होगा, वहाँ किसी को पिशाच बाधा कभी नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ आने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये? तुम सबका इतना दुस्साहस, किस प्रयोजन से आए हो तुम यहाँ? हम किसी अनिष्ट के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आए। अभी तो अनिष्ट तो किया है प्रभु श्री राम ने। ब्रह्म हत्या की है तुम्हारे श्री राम ने, ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या, और इस ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा। और तुम सब इस पाप में भागीदार हो। तुम सब इस महापाप के फल स्वरूप ब्रह्म राक्षस बनोगे। ब्रह्म राक्षस।
और तुम सबको हमारे ही पास आना पड़ेगा और हमारी ही तरह गति होगी, तुम सबकी हमारी ही तरह गति होगी। पिशाचों का कथन सत्य है स्वामी, रावण ब्राह्मण पुत्र थे और उसका वध हमारे हाथों ही हुआ है। किंतु माता, वो पापी था, अधर्मी था। यदि वो अधर्म न करता तो उसका वध नहीं होता। हाँ हनुमान, रावण एक ब्राह्मण पुत्र था, विद्वान भी था, किंतु वो एक दुराचारी था, इसीलिए उसका अंत करना ही पड़ा मुझे। प्रभु, यदि ये महापातक है तब तो हम सब भी इस महापातक के भागी हैं। किंतु तुम सबका नेतृत्व मैं ही कर रहा था, इसलिए महापातक का दोषी मैं ही। यदि किसी प्रकार मैं इस दोष से मुक्त हो गया तो तुम सब भी इस दोष से मुक्त हो जाओगे। परंतु स्वामी, यह आवश्यक है कि राजा बनने से पूर्व आप ब्रह्म हत्या के दोष से स्वयं को मुक्त कर लें। हाँ सीते, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुझे मुक्त होना ही होगा, अन्यथा ये कुरीति आरंभ हो जाएगी कि कोई भी राजा या शक्ति से संपन्न व्यक्ति किसी भी विद्वान का वध कर देगा। विद्वानों और ब्राह्मणों का वध निश्चित ही रहना चाहिए। प्रभु श्री राम, भगवान शिव सर्व पातक हरता है, उनकी कृपा हो गई तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। आपका कथन सर्वथा उचित है जामन जी। मेरे वीर वानरों, हम सबके शीश पर जो ब्रह्म हत्या का दोष है उसे मिटाने के लिए हम भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा करेंगे। किंतु भैया, आत्मलिंग तो शिवजी के कैलाश धाम से ही प्राप्त हो सकता है और शिवजी को प्रसन्न किए बिना आत्मलिंग मिलेगा नहीं, तो इतने कम समय में कैसे संभव होगा? उसकी चिंता मत कीजिए लक्ष्मण भैया, मैं हूं ना, भोले बाबा मुझे मना नहीं करेंगे। मैं समय रहते ही भोले बाबा का शिवलिंग लेकर आ जाऊंगा। हनुमान कुछ अत्यधिक आत्मविश्वास से भर गए हैं, उनके इस आत्मविश्वास से अभिमान झलक रहा है जो कदाचित युद्ध में हनुमान के पराक्रमों के कारण प्राप्त विजय से उपजा है। इतना सहज नहीं है हनुमान मेरे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त करना। प्रभु, मेरी गणना के अनुसार महादेव की पूजा के लिए कल प्रातः सूर्योदय के पश्चात का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होगा, किंतु ये मुहूर्त कुछ ही क्षणों के लिए होगा। उचित है जामन। हनुमान, तब तक तुम्हें महादेव का आत्मलिंग लेकर आना होगा। ऐसा ही होगा जामन मामा, आप सब पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए, मैं मुहूर्त के पूर्व ही भोलेनाथ जी का आत्मलिंग लेकर लौट आऊंगा। इतना अभिमान उचित नहीं है हनुमान। आइए हम सब पूजा की व्यवस्था करें। भैया, यदि हम कल तक पूजा करने के लिए यही प्रतीक्षा करेंगे तो पूजा के पश्चात अयोध्या पहुंचने के लिए मात्र 8 प्रहर का समय ही शेष रह जाएगा, और यदि किसी भी कारणवश हम उतने समय में अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो कहीं भरत भैया। चिंता मत करो लक्ष्मण, हनुमान
समय रहते वापस लौट आएंगे और हम सब भी पूजा संपन्न करके समय रहते अयोध्या पहुंच जाएंगे। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।